Hey everyone, sorry guys for not uploading this video on time. Actually I was busy in some work, so आपको कैसे निकालना है ना PDF, तो यहाँ पर आपको DP वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर नहीं जाना, इसके जस्ट बराबर वाला DP PDF वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। देन आप जब इसको क्लिक करेंगे ना तो ये आपकी ओपन होगी। इसके बाद आपको जो साइड में ना वाइट डॉट दिख रही है ना, ये ऊपर वाइट वाली, ग्रीन नहीं वाइट वाली, इस पर वाइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये जो पर्पल कलर का आ रहा है। इसके बाद ही आपकी ना डाउनलोड हो जाएगी ये PDF। फिर उसके बाद आपको दोबारा उन्हीं वाइट डॉट पर क्लिक करना है, तब आपका ऑप्शन आएगा व्यू इन प्रिंटेबल फॉर्म, जैसे ये दिख रहा है ना आपको ये। अब इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जो ये व्यू इन प्रिंटेबल फॉर्म है ना, यहाँ क्लिक करना है। फिर इसके बाद ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपके फ़ोन में इनबिल्ट होगा कि किससे आपका PDF निकलेगा, मेरे में ये है तो मैं ये सेलेक्ट कर रही हूँ, आप किसी भी एक को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारी ये PDF प्रिंट आउट के लिए रेडी हो चुकी है। अब ये वाइट डॉट दिख रही है ना आपको ऊपर तीन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पर ना प्रिंट का ऑप्शन तो आ गया। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रिंटर है वो कनेक्टेड है या नहीं। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है वाईफाई से, तो मैं उसको कनेक्ट कर रही हूँ सो दैट मेरा PDF निकल जाए। उसके बाद ये आपको इस तरीके से PDF दिखेगा प्रिंट आउट के लिए। मुझे वन चाहिए, बाकी मैं कैंसिल कर रही हूँ, सिर्फ एक को सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर प्रिंटर का ये दिख रहा है ना येलो येलो, इस पर क्लिक करना है ना। और इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपका PDF निकल जाएगा। अच्छा, तो मैंने तीनों एक बार में सिलेक्ट इसलिए नहीं किए क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा पेजेस लग रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे वाईफाई डायरेक्ट कनेक्ट है, और मैंने इसलिए ही नहीं किया क्योंकि बहुत सारे, एक तो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा था और मतलब इतने सारे पेज मेरे ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं दोनों साइड ही प्रिंट आउट कर लेती हूँ। इसके लिए ना पता है मुझे क्या करना पड़ता है, एक बार में एक ही निकलता है और फिर दोबारा से उसको मुझे लगाना पड़ता है, फिर दूसरा मुझे PDF निकालना पड़ता है उसी के अंदर। मैं भी आपको दिखाती हूँ, जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा इस तरीके से वन पेज पर निकला। अब मैं क्या करूँगी ना, इसको बैक साइड से डालूँगी, मतलब ये वाइट वाला पोर्शन है ना ये ऊपर रहेगा और जो प्रिंट वाला है वो पीछे जाएगा, ठीक है। इसको लगाने के बाद दोबारा से वही मुझे स्टेप फॉलो करने हैं। एंड ये मेरा देखो दोनों साइड PDF आ गया है, इससे देखो पेज भी सेव हो गए और मतलब इतनी सारी स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करेगा ये। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो बाय एवरीवन।